भूटान रे मोदी को भव्य स्वागत सर्वोच्च सम्मान रे सम्मानित भूटान एवं भारत एक परिवार सुदृढ़ हेउची मित्रता भारत एवं भूटान रा संपर्क सबुठारु प्राचीन एई संपर्क दिनकु दिन आउरी सुदृढ़ होई परिचि भूटान वासी भारतीयों को निज परिवार रा सदस्य रूपे एवं भारत रे भूटान वासी को परिवार रूप रे गणना करा जाए भूटान रे थिम्पुठारे संबोधन रे एपरि कहिछंती प्रधानमंत्री मोदी यह सम्मान मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत और 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। भूटान की इस महान भूमि पर मैं सभी भारतवासियों की ओर से यह सम्मान नम्रता से स्वीकार करता हूं और इस सम्मान के लिए आपका और भूटान की जनता का हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। भूटान रा नरेश जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुक प्रधानमंत्री मोदी को देशर सर्वश्रेष्ठ सम्मान रे सम्मानित करिछंती। एही सम्मान तांको पई विशेष महत्व प्रदान करूछि बोली कहिबा सहित सम्मान पई पूरा भूटान एवं भूटान सरकार को धन्यवाद देइछंती प्रधानमंत्री मोदी। कि भूटान के लोग उनके अपने परिवार के सदस्य हैं, भूटान के लोग भी यह जानते हैं, मानते हैं कि भारत उनका परिवार है, हमारे संबंध अटूट है, हमारी मित्रता अटूट है, हमारा आपसी सहयोग अटूट है और सबसे बड़ी बात है हमारा विश्वास भी अटूट है। भूटान रे प्रधानमंत्री को भव्य स्वागत करा जायथिला। राजधानी थिम्पुठारे पहुंचिबा परे पारंपरिक राजकीय आडंबर सहित प्रधानमंत्री मोदी को स्वागत करथिले भूटान रा प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे। मोदी को स्वागत करिबा पई रास्तारे पूरा भूटान एकत्रित हेबा परे मने हेउथिला। बहु संख्यक पिला माने भारत एवं भूटान रो पताका धरी प्रधानमंत्री को स्वागत करथिले। यहां दुई देशर दृढ़ संपर्क को सूचित करिछि। प्रधानमंत्री मोदी भूटान रे रहुतिबा प्रवासी भारतीय मानन को मध्य भेटिछंति। ब्यूरो रिपोर्ट आर्गस न्यूज। मोबाइल फोन ओ संगसाथी आपनको पिलाटीर पाठपडा ओ करियर को प्रभावित करूछि कि आपण सेति पई विवृत कि तेबे आजि ही असंतु आपण चाहुतिबा मन लागि संपूर्ण आवासिक स्कूल टीएससी गुरुकुल गोठपाटन भुवनेश्वर। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लागिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमा भी भूलंतु नहीं।